वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया से बड़ी खबरें। शेयर मार्केट की शुरुआत लाल निशान से हुई, उसके बाद ऊपर नीचे होते हुए ग्रीन मार्क तक आ ही गई। निफ्टी की शुरुआत सुबह 16,545.525 पर खुली, फिर आगे पीछे होते हुए 16,591.40 पर पहुंची। निफ्टी में टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस टॉप पर रहीं, जबकि टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, इंडसलैंड बैंक, एमएनएम एंड जेएसडब्ल्यू स्टील नीचे रहीं। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स की बात करें तो सुबह इसकी शुरुआत 55,565.64 पर हुई। 9:30 के बाद सेंसेक्स ग्रीन मार्क पर पहुंचकर 55,688.50 हो गया। उसके बाद दिन भर उतार चढ़ाव बनी रही। सेंसेक्स में टॉप पर रही टेक महिंद्रा, टीसीएस, बजाज ऑटो, हिंद यूनिलीवर और इन्फोसिस, जबकि एनटीपीसी, इंडसलैंड बैंक, एमएनएम, लॉर्सन एंड टूब्रो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे रही। टेक महिंद्रा निफ्टी में 3.88% और सेंसेक्स में 3.89% के साथ फायदे में रही। अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसकी धमक भारत की बाजार तक आने लगी है। तालिबान के कब्जे से ड्राई फ्रूट्स की कीमत बढ़ने लगी है और बहुत जल्दी आसमान भी छूने लगेगी। अफगानिस्तान से अभी तक अंजीर, पिस्ता, किशमिश, बादाम, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स का आयात होता रहा है, जिसमें हींग और चेरी जैसी चीजें भी शामिल हैं। अभी तक हफ्ते भर से पूरा व्यापार बंद है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। भारत अफगानिस्तान के व्यापारिक संबंध काफी अच्छे थे। पिछले साल अफगानिस्तान के साथ 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार हुआ था। तालिबान के कब्जे से ड्राई फ्रूट्स के दामों पर सीधा असर पड़ रहा है। भारत से भी काली मिर्च, तंबाकू, जूट, इलायची, गेहूं, कपड़े, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स के काफी सामान अफगानिस्तान एक्सपोर्ट होते थे। पेट्रोल और डीजल के दाम अभी भी बेलगाम हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ने का दोष भी कांग्रेस सरकार को दिया है। वो बोलती हैं कि यूपीए सरकार ने 1.44 लाख करोड़ का एक ऑयल बॉन्ड जारी किया था, जिसका बोझ सीधा हमारी सरकार पर आ गया है और यही कारण है कि हम पेट्रोल की कीमत को कम नहीं कर पा रहे हैं। जब तक राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर कोई निर्णय नहीं ले रही, तब तक इसका कोई भी समाधान नहीं है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वो बोली कि यूपीए सरकार की तरह मैं ऐसी कोई भी चालाकी वाले खेल नहीं खेल सकती। वित्त मंत्री का कहना है कि अगर यूपीए सरकार के ऑयल बॉन्ड का बोझ हमारी सरकार पर न होता तो हम कुछ कर सकते थे। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई जैसे कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 के ऊपर है। ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के साथ लोगों की नजरों में आने वाली शिखोम मीराबाई चानू को एमवे न्यूट्रीलाइट का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चूंकि एमवे का लक्ष्य स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन रहता है, इसलिए चानू उनका सही चुनाव है। एमवे के सीईओ अंशु बुधराज कहते हैं कि एमवे दुनिया में अच्छे स्वास्थ्य और नारी सशक्तिकरण का प्रचार करती है, इसलिए मीराबाई चानू को चुनना हमारे लिए वाजिब है। वो अद्भुत तरीके से सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और आशा की प्रतीक है और इस तरह से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो हमारी परफेक्ट पार्टनर है। चानू का कहना है कि मैं एमवे के साथ जुड़ने के लिए काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं खुद भी खेल के द्वारा फिट रहती हूं और एमवे भी दुनिया की नंबर 1 विटामिन और सप्लीमेंट्स देती है। एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर जो चिंता रहती थी, अब वो खत्म होने जा रही है। पहले दिक्कत होती थी कि अगर सिलेंडर डिलीवरी आ गई है और आप घर पर नहीं हैं, तो दोबारा से डिलीवरी करवानी पड़ती है, जिसमें काफी समय बर्बाद होता है, लेकिन अब उसका भी समाधान आ गया है। अब आप चाहे जब चाहे तब डिलीवरी रिसीव कर सकते हैं। इंडेन के प्रिफर्ड टाइम डिलीवरी सिस्टम के जरिए आप अपने हिसाब से समय और तारीख चुनिए और घर बैठे सिलेंडर रिसीव करिए, लेकिन इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया, एंटरटेनमेंट और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।